देश के कई हिस्सों में आसमानी आफत लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। जिस मॉनसून का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वही लोगों के लिए परेशानी की वजह बन चुका है। गुजरात हो, उत्तराखंड हो या फिर मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य इस वक्त भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। सबसे पहले गुजरात की बात करते हैं। गुजरात के कच्छ में एक बाइक सवार नदी के तेज बहाव में फंस गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये घटना हुई, आसपास के लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने वक्त रहते उसे नदी से निकाल लिया। दूसरी ओर उत्तरकाशी में जमीन खिसकने से यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। मलबे की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी आने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गांवों का शहरों से पूरी तरीके से संपर्क टूट चुका है और कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की तस्वीर भी आप देखिए, मध्य प्रदेश का भी हाल कुछ अलग नहीं है। सड़कों पर सैलाब है और बाजार से लेकर लोगों के घरों में पानी घुस आया है। ये चार तस्वीर अलग अलग राज्यों की, किस तरीके से बारिश और बाढ़ अब लोगों पर मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। नदियां उफान पर जा चुकी है, लोगों के घरों दुकानों में पानी घुस चुका है और इसी तरीके से कई ऐसे मार्ग है जो कि पूरी तरीके से कट चुके हैं। कटाव की स्थिति देखने को मिल रही है तो दूसरी तरफ प्रशासन की टीम जमीनी तौर पर मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इसके साथ ही लोगों को आगाह किया जा रहा है किन किन इलाकों में जोरदार बारिश रहेगी, किस तरीके से आपको अपने घरों में अपने आप को कैद रखना है। बारिश और बाढ़ से मची तबाही के बीच अब आदमी बेबस दिखने लगा है। गुजरात के कच्छ में एक आदमी को तेज बहाव से खेल खेलना भारी पड़ गया। तेज बहाव के बीच से गुजर रहा यह आदमी तेज लहरों में फंस गया। जान आफत में पड़ती देख आसपास के लोग उसकी मदद के लिए आगे आए और किसी तरह उसको सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीर आप देखिए, पूरा का पूरा इलाका जो है पानी में जलमग्न हो चुका है, नदियां उफान पर है, लेकिन इसके बावजूद ये शख्स जो कि इसी तरीके से इस रास्ते को पार करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही पानी का बहाव तेज हुआ वो वहां पर फंस गया। लेकिन गनीमत ये रही कि कुछ लोग वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने मिलकर इसकी जान बचा ली है। गुजरात के कच्छ की ये तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रही है, क्योंकि मॉनसून ने दस्तक तो दे दी है लेकिन कई राज्यों में इस वक्त ये बारिश जो है लोगों के लिए आफत बनकर टूट रही है। कहर लगातार जारी है और इसी के साथ गुजरात की स्थिति जहां पर पिछले कई दिनों से जोरदार बारिश इस वक्त दिखाई दे रही है। और गुजरात के द्वारका में मॉनसून से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ अब बारिश लोगों के लिए परेशानी की वजह भी बन रही है। नदियां उफान पर है जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर आया है। लोगों को अपने आशियाने छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कहीं भी आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र लोगों के लिए सहारा रह गया है और नाव के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाना अब लोगों के लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए किस तरीके से अपने आप नाव को चलाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ आप जहां भी देखेंगे वहां पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर साल जब भी मॉनसून की तरफ से दस्तक दी जाती है तो इसी तरीके की स्थिति बनती है। प्रशासन लाख दावे करता है लेकिन उन सभी दावों की पोल इन्हीं तस्वीरों के साथ खुलती हुई नजर आती है। द्वारका के इलाके की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। गुजरात में स्थिति सबसे ज्यादा बदहाल होती हुई नजर आ रही है और हर इलाका इसी तरीके से बारिश के पानी से तर बतर होता हुआ। और गुजरात के गीर सोमनाथ में कुछ घंटों की बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। कोडिनार और सूत्रापाड़ा में जलभराव की वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर तो ब्रेक लगा ही, इसके साथ ही लोगों को जलजमाव के बीच से निकलने के लिए दो चार होना पड़ा। ये जलजमाव की स्थिति जो कि इस वक्त गुजरात के कई इलाकों में बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है, ऐसे में लोग अपने दफ्तरों को जाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही गुजरात के गीर सोमनाथ इलाके की ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से बारिश लगातार होती हुई नजर आ रही है। जल निकासी की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है और पानी का जो सैलाब है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ, लोगों के घरों में पानी जा चुका है, दुकानों में पानी भर चुका है, लेकिन इसके बावजूद इसी तरीके से मुसीबतों का सामना करते हुए लोग अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन दूसरी ही तरफ मौसम विभाग भी ये साफ कर चुका है कि 3 से 4 दिन इसी तरीके से बारिशों की, कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। तो गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक भारी बारिश का सितम लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि सड़कें लबालब है
और सैलाब लोगों के घरों को डुबोनों पर आबादा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रायगढ़ की है, जहां नदी का पानी पुल पर बह रहा है। सड़क पानी सैलाब आने की वजह से लोगों का दूसरे इलाकों से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। कई ऐसे गाँव हैं जिनका संपर्क शहरों से टूटता हुआ, ऐसे में वहां तक किस तरीके से सहायता पहुंचाई जाए, ये एक सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने बनी हुई है। लेकिन दूसरी ही तरफ एनडीआरएफ की कई ऐसे टीमें हैं जो कि तटीय इलाकों में तैनात कर दी गई हैं, जहां पर लोगों को रेस्क्यू करने का काम भी जारी है। लेकिन गुजरात में आप देखिए सबसे ज़्यादा स्थिति जो है वो बदहाल होती हुई नज़र आ रही है। कई ऐसी नदियाँ हैं जो कि उफान पर आ चुकी हैं और उन्हीं नदियों के किनारे जो घर बसे हुए थे, जो दुकानें मौजूद थी, वो सभी आशाएं इस वक्त इसी पानी के बहाव में समा चुके हैं और उन लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा चुका है। देश के कई राज्यों में इसी तरीके से आसमानी आफत इस वक्त बरसती हुई नजर आ रही है। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जमीन खिसकने की वजह से यमुनोत्री हाईवे एक बार फिर से बंद हो चुका है। हाईवे पर मलबा हटाने का काम फिलहाल जारी है, लेकिन जानकारी के मुताबिक भारी बारिश से यमुना घाटी में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ये भारी नुकसान की आशंका जो जताई गई है, हालांकि ये पूरा मार्ग बंद कर दिया गया है। बारिश और बाढ़ लगातार जारी है, जो कि इस वक्त इस तरीके से सैलाब के रूप में तब्दील हो चुकी है। जो भी गाड़ियां इस मार्ग पर पार्क थी, खड़ी हुई थी, वो सभी इसी पानी के बहाव में बहती हुई नजर आई। जितने भी पर्यटक हैं जो कि घूमने के लिए इस वक्त ऐसे पर्यटन स्थल पर जा रहे थे, उन्हें बीच में ही रोक दिया गया है। उत्तरकाशी में ज़मीन खिसकी तो इस तरीके से सड़कों पर ये मलबा बिखरता हुआ नजर आया और दूसरी ही तरफ इस भूस्खलन के बाद इस हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है और तमाम जो पर्यटक वहाँ पर मौजूद थे उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और अभी फिलहाल कुछ दिन तक इसी तरीके से ये हाईवे बंद रहेगा, जब तक कि मलबा हटाने का काम खत्म नहीं हो जाता, बारिश बंद नहीं हो जाती, स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक ये हाईवे बंद रहेगा, यमुनोत्री हाईवे। और हिमाचल प्रदेश में शिमला के धाली इलाके में बारिश के बाद जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे के नीचे दबने से कई गाड़ियों को तो नुकसान पहुंचा ही, इसके साथ ही एक महिला की मौत की खबर सामने आ रही है और दो लोग इस हादसे में घायल हो चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक महिला की मौत हो चुकी है इस हादसे में। ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें दो लोग जख्मी भी हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला के धाली इलाके की ये तस्वीर, जहां बारिश के बाद जमीन खिसकी और जैसे ही जमीन खिसकी उसका मलबा इस तरीके से सड़क पर बिखरता हुआ नजर आया और इसी मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो चुकी है। दो लोग जख्मी हैं जिसे पास के ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इसके साथ ही मलबा हटाने का काम भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। जितने भी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है और एहतियातन के तौर पर कई रूट्स को इस वक्त बंद कर दिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके की तैयारी यहां पर की जा रही थी वो तैयारी नाकाफी दिखती हुई नजर आ रही है। और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से बादल फटने की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में बादल फटा है, जिसके बाद तेज बहाव के साथ सड़कों पर सैलाब आ गया और अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बादल फटने की घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है, जिसकी चपेट में कई घरों के आने की जानकारी है। जितने भी घर वहां पर मौजूद थे इस नदी के किनारे, वो सभी घर जो है इस नदी के बहाव में बहते हुए नजर आए। इसके साथ ही कुल्लू में देर रात लगातार बारिश होती रही और सुबह जब भूस्खलन की ये खबर सामने आई तो उसके बाद एहतियातन तौर पर जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे, पर्यटक मौजूद थे, उन सभी को वहां से निकाल लिया गया है। कई ऐसे कैंपिंग्स की जगह थी जिन्हें खाली करा लिया गया है और अभी फिलहाल पुख्ता तौर पर प्रशासन की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई पर्यटक वहाँ पर है या नहीं है। इसको लेकर अभी फिलहाल ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन ये भयावह तस्वीर सामने आई कुल्लू से जब ये बादल फटा और उसके बाद किस तरीके से कई नदियां जो कि इस पूरे इलाके से जुड़ी हुई थी वो उफान पर आ गई और इसी तरीके से बहाव नदी का बढ़ता चला गया। देखिए
और इसी के साथ ही कुल्लू में बादल फटने से पहाड़ों पर मौजूद कैंप साइट पानी में बह गए हैं। 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बादल फटने की खबर मिलते ही प्रशासन ने राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। लापता लोगों की तलाश में जुटी हुई है इस वक्त टीम। ये 4 तस्वीर आप देखिए, कुल्लू में लगातार देर रात से बारिश हो रही थी और सुबह ये बादल फटा, ये भयावह तस्वीर सामने आई। सड़क पर इस तरीके से सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। हालांकि आसमानी आफत कई राज्यों में इसी तरीके से कहर बरपाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से यह अंदेशा जताया गया है कि कुछ पर्यटक हो सकते हैं वहां पर फंसे हो, लेकिन जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे सभी को निकाल लिया गया है, लेकिन आशंका अभी भी है और इसी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल यहाँ पर जारी है। और भारी बारिश की वजह से मुंबई के सायन इलाके में पानी भर चुका है। दुकानों से लेकर लोगों में बारिश का पानी घुस आया है। इस पर सायन इलाके से ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी श्रेया मौजूद है, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। मुंबई में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने 7 तारीख तक मुंबई, पालघर और थाने में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस वक्त हम मुंबई के सायन इलाके में मौजूद है और मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सायन इलाके में जो है वो घुटनों तक का पानी जो है वो भर गया है। बीएमसी की टीम यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो अपनी गाड़ियों को इस रास्ते से लेके जाना चाहते थे, लेकिन जो है पानी इतना ज्यादा है कि वो उल्टे पैर जो है वो वापस जा रहे हैं। वही पानी इतना ज्यादा है कि गाड़ियों के टायर जो है वो पूरी तरीके से पानी में जो है वो चले गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से गाड़ियां जो जा रही हैं उनके टायर पूरी तरीके से पानी में चले गए हैं। देखिए सुबह का वक्त है, लोग अपने दफ्तर के लिए निकल रहे हैं, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि मुंबई में जो जल जमाव की स्थिति है वो लगातार बढ़ते जा रही है और लगातार जैसे जैसे बारिश बढ़ रही है यहाँ पर पानी का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। पूरी जो गाड़ियां हैं वो टायर के अंदर डूबी हुई है। ये जो पूरा रास्ता आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है वो पानी में तब्दील हो गया है। कई सारे लोग आपको यहाँ से गुजरते नजर आ रहे होंगे। घुटनों तक का पानी सायन इलाके में जो है वो जमा हो गया है। लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।